नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। सुबह सुबह डांट पड़ गई, रात को आप लोगों के साथ ही देर तक ट्विटर पर लगे रहे। अभी सुबह उठे तो एक भक्त का फोन आ गया। लोग आते रहते हैं, वो 70 साल और गांधी ने देश बांट दिया। वो बोलने लगा, मैडम सुन रही थी, गुस्सा आ गई। अब मैडम पूछ रही है कि जिससे आप बात कर रहे थे, दोस्त ही है, जान पहचान का है, काफी करीबी है, तो बोला जरा उनसे पूछना कि गांधी तो अकेले था, नेहरू थे और 2-4 लोग उनके साथ थे, तो जब देश का बंटवारा हो रहा था तो जो आदमी आपसे बात कर रहा है उनके दादाजी क्या कर रहे थे? उनके दादाजी ने रोका क्यों नहीं देश के बंटवारा होने से? ये बहुत बड़ी बात कह दी। फिर उन्होंने एक बात और पूछा है कि जब 70 साल से लूटी चल रही थी उनके अनुसार, तो दादाजी ने देश बांटने से नहीं रोका, और उनके पिताजी सरकारी नौकरी में रहते हुए क्या कर रहे थे? सबके सब सरकारी नौकरी में था, बड़े बड़े पोस्ट पे था। यह मैडम जी का क्वेश्चन है और मैडम जी ने मुझे क्लास लगा दी कि दिन भर आप भी वीडियो बनाते रहते हो, अनाप शनाप लड़ाई करते रहते हो, 2 सवाल पूछना कि जब देश बट रहा था तो तुम्हारे दादाजी ने क्या किया? क्योंकि उस समय दादाजी थे, दादाजी तो चले गए होंगे, भाई नहीं, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की। गांधी अकेले थे, नेहरू थे या 10-20 लोग थे उनके पास जो स्वतंत्रता सेनानी का नाम आ रहा है, तो क्यों देश बटने दिया? क्या वे इतने कमजोर थे? कुछ तो कारण रहा होगा कि उन्होंने नहीं रोका। कहां थे ये पूछना जरूरी हो गया है। और जब 70 साल से कह रहे हैं कि लूट लिया लूट लिया, तो फिर अपने पिताजी को क्यों गाली दे रहे हैं? इनके ही फादर थे ना सब जगह, इनके ही दादाजी थे ना सब जगह, सरकारी नौकरी में, सारे पोस्ट पे, सब जगह तो थे ही ना, तो लूट कैसे हो रही थी? कौन लूट रहा था? रोका क्यों नहीं? इनडायरेक्ट रूप से इनका यह कहना था कि इन लोगों ने ही देश को बर्बाद किया है, गुमराह किया है। कह रही है कि देखिए, निकाल के दिखाई हिस्ट्री के बुक कि बोला वो तो अंग्रेजों के साथ गुलामी कर रहा था, सबके सब अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, सिपाही भी उसी के, अंग्रेज के ही, मंगल पांडे ने विद्रोह किए थे, वो भी तो सैनिक ही थे, बाकी सब ने क्या किया? कितने लोगों ने विद्रोह किया? सबके सब हमारे ऊपर गोली चला रहे थे, जालियांवाला बाग में जाके इतना फायरिंग हुआ, तो उसमें तो अंग्रेज ऑफिसर एक ने आदेश दिया, फायरिंग करने वाले इंडियन भारतीय कौन थे? वो कौन थे? जगह जगह पर सब जगह दीवान बने हुए थे, खास बने हुए थे अंग्रेजों के। तो देश तो तुम बर्बाद कर रहे थे, देश को तो तुम लूट रहे थे। आजादी तो बहुत पहले मिल गई होती, अगर तुम सब साथ दिए होते, एक साथ मिलकर लड़ाई किए होते, तो गांधी की जरूरत ही नहीं थी, अंग्रेज तो बहुत पहले आ गए थे। मैडम ने यह भी पूछा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया था, वो सुन रही थी, तो पूछ रही है कि सोमनाथ मंदिर पे 18 बार हुआ युद्ध, आके और लूट के लेके गया, तो गुजरात से ही घुसा था, हिमालय पार करके तो कोई आ नहीं सकता, तो गुजरात वाले क्यों नहीं रोका? सवाल ये उठता कि रोका क्यों नहीं, और बंगाल वाले ने क्यों नहीं रोका? बंगाल के लोग भी, वहां कुछ लोग मोदी मोदी कर रहे थे और सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले अंग्रेज आए थे, वहीं से आके पूरे देश पे राज्य किया, कह रहे थे अंग्रेज लूट के चला गया, अंग्रेज देश बर्बाद कर दिया, और रहे साथ में अंग्रेज के मिलके, और बंगाल से अंग्रेज घुसा। ये सोचना जरा, इन अंधभक्तों से पूछना जरूरी हो गया है कि भाई अब हम लोगों को कुछ मत कहा कर, हम लोग तो गांधी के साथ थे, हम नेहरू के साथ थे, हम सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, हम भगत सिंह के साथ थे, और आज भी है, और आज भी हम गांधी नेहरू सुभाष भगत सिंह लाला लाजपत राय की तरह लड़ रहे हैं, आज भी हम देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम गोरे अंग्रेज के जाने के बाद एक काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। अब कभी भी ख्याल आए मन में कि गांधी ने देश क्यों बांट दिया, 70 साल में क्या किया, तो ये बात अपने पिताजी से पूछना, अगर पिताजी हैं तो उनसे पूछना, अगर पिताजी के पिताजी जिंदा है तो उनसे पूछना, जवाब मिल जाएगा, और नहीं तो किसी बुजुर्ग से पूछना। ये जो 30-35 साल के जो लौंडे हैं जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, जिनको इतिहास पता नहीं, भूगोल पता नहीं, ये जो पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया और गांधी ने क्या किया, मैं उनसे कह रहा हूं सुधर जाओ, इज्जत के लायक नहीं रहे तुम लोग, तुम लोग अपने ही मां बाप को गाली दे रहे हो, तुम लोग अपने ही परिवार, अपने खानदान को गाली दे रहे हो ये पूछ के कि गांधी ने क्या किया, 70 साल में क्या किया, दोबारा मत पूछना।
आप सब वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।